अस्कीन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अस्कीन। द सिंपली हम लोग ये बॉडी का एक कवर ही नहीं है, बल्कि इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। काफ़ी एक्टिव होता है, फंक्शनिंग इन न्यूमरस वे, काफ़ी तरीके से वर्क करता है। मेनी ऑफ आवर रिकॉग्नाइजिंग फीचर कम्स फ्रॉम कम्प्लेक्सेशन हेयर पैटर्न। इट इज़ द मोस्ट अपेरेंट फीचर ऑफ एन एज्ड पर्सन। ए हेल्दी यूथ और ए टेंडर इन्फेंट इज द टेक्सचर ऑफ द स्किन, वेदर लूज एंड रिंकल्ड और टाइट और स्मूथ। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द स्किन, स्किन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एज नेम्ड बाई सम, वाइल सम अदर वुड इवन कॉल इट मास्टर ऑफ मैनी टास्क। मास्टर ऑफ मैनी टास्क के नाम से भी जाना जाता है। इट बिलोंग्स टू इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। इट अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ द एडल्ट ह्यूमन टोटल बॉडी वेट। और वेट का कितना है, 15% वेट का होता है। प्रीमियरली द स्किन इज एन ऑलमोस्ट इनपरमिएबल बैरियर। स्किन क्या है, एक तरह का इनपरमिएबल बैरियर है। कोई चीज पास नहीं। हाँ, पास कर सकता है इसे। जो सबसे पहले आते हैं, स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्किन। स्किन इज द आउटर मोस्ट, हाँ, इम्परमिएबल मतलब पास नहीं होगा, परमिएबल मतलब पास होता है। ऐसे जो हम लोग का निकलता है वो पसीना जो निकलता है, तो छोटा छोटा हॉल होता है ना, उससे होकर के बाहर निकलता है। ऑल ओवर इन द फॉर्म ऑफ लेयर। देयर आर मेनी स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड ड्राइव फ्रॉम द स्किन। स्क्रीन से बहुत सारा ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। उसके बाद आते हैं फंक्शन, क्या क्या करता है स्किन। तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन। इट एफोर्ड्स प्रोटेक्शन इन फोर डिफरेंट वे, चार तरीके से आदमी को प्रोटेक्ट, मतलब किसी भी जीव जंतु को स्किन प्रोटेक्ट करता है। पहला, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। दूसरा, इट होल्ड द बॉडी फ्लूड इनसाइड एंड प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो, उससे हम लोग को बचाता है। तो स्किन पर वो जनरली एक लिक्विड निकलते रहता है, जो थोड़ा सा ऑयली टाइप का होता है, और वो इसीलिए होता है ताकि अधिक से अधिक वाटर इवेपोरेट ना हो। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और डिजीज काउजिंग जर्म, जर्म्स को एंट्री को रोकता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एक्सेसिव अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा में आते हैं, सेंसेशन का काम करता है। आवर स्किन सर्व एज सेंस ऑर्गन फॉर टच, टच पेन प्रेशर हीट इत्यादि इसके सेंसेशन का काम करता है। उसके बाद तीसरा, टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है, अगर मान लो कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो स्किन से हमारा पसीना निकलता है। वो पसीना क्या करता है, वो थोड़ा सा वहाँ पर ठंडक फील, कोल्ड फील करवाता है। द स्किन प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर ठंडा के दिनों में हीट को बाहर जाने से निकल, शरीर से बाहर निकलने से रोकता है। एंड फैसिलिटेट लॉस ऑफ हीट इन हॉट वेदर, और गर्मी में क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू लॉस ऑफ हीट, ताकि हीट का लॉस ना हो। यू विल रीड अबाउट द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन लेटर इन दिस चैप्टर। तो वो कैसे करता है, वो पसीना के जरिए करता है। ऐसे तो दो, मतलब ठंडा के टाइम में एक ठो जाली टाइप का ये बना लेता है, रोंगटे खड़ा हो जाता है ना सारा। तो वो जो, तो उसमें तो खैर हेयर पार्टिसिपेट करता है, वो खड़ा होकर के एक जाली का निर्माण करता है और ठंडा से रोकता है शरीर को। और दूसरा, वो जो तुम्हारा गर्मी के मौसम होता है, गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना निकलता है, तो वो ज़्यादा मतलब ये ना हो, हीट अंदर का टेम्परेचर बढ़ ना जाए, उससे हम लोग को बचाता है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ फूड। अच्छा, वो एक चीज़ पता है, हम लोग जब ओढ़ना ओढ़ते हैं ठंडा के दिनों में, जब रजाई ओढ़ते हैं, तो अंदर में गर्मी का फील क्यों होता है, मतलब वो गर्मी आता है कहाँ से है। हाँ, वही, फिर बाहर नहीं निकल पाता है। बॉडी का जो गर्मी होता है ना, हीट का मतलब, हाँ, आइसोलेट
आइसोलेट हो जाता है, हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, क्योंकि हम लोग जो रजाई यूज करते हैं, रजाई में अंदर एयर का ये होता है ना, और एयर हीट का कुछ अलग कुछ अलग होता है, एयर का एक लेयर बन जाता है, और ये हीट का कुछ अलग होता है, हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, इसलिए हम लोग गर्म फील करते हैं। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोरेज स्टोर रखने का काम करता है। स्किन स्टोर रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ फैट कंटेनिंग अ स्पेशल सेल। ये फैट फैट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा दिन तक इंसान भूखा रह सकता है, क्योंकि वो फैट ही बाद में भोजन का काम करने लगता है। उसके बाद है एक्सक्रेशन, द स्किन एग्जिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन, जैसे कि यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर साल्ट एंड ए वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, कुछ मात्रा में यूरिया भी निकलता है जो पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, सिंस स्वीटिंग फ्रॉम द स्किन अकर मेनली फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, हालांकि ये जो पसीना निकलता है और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है, तो हम लोग इसको एक्सक्रेटरी ऑर्गन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पसीना निकल रहा है तो हम लोग एक्सक्रेटरी ऑर्गन में इसको डाल दें, स्किन को पसीना निकलता है पर वो दूसरा पर्पज़ से निकलता है। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, द स्किन कैन सिंथेसिस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनशाइन। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य की रोशनी से हम लोग को मिलता है। अगर विटामिन डी की कमी होगा तो थोड़ा पेन उन मतलब होने लगता है बॉडी में, फिर विटामिन डी का टेबलेट खाना पड़ता है, तो शहर में तो थोड़ा दिक्कत ही होता है धूप में निकलना। दिस इज ए माइनर फंक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म इज नॉट येट फुली अंडरस्टूड इन फॉर्म रीजेज एंड ग्रुप्स व्हिच प्रोवाइड ए मोर इफिशियंट ग्रिप। इसके हेल्प से हम लोग आसानी से किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, तो स्किन किस किस चीज़ से बना हुआ है? तो स्किन का मेनली दो पार्ट है, एक एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस। एपिडर्मिस में क्या आएगा? कॉर्न फील्ड ग्रैनुलर एंड ग्रेनिनेटिव लेयर, और डर्मिस में आ जाएगा इलास्टिक फाइबर ब्लड, तो ये तो खैर आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ ए वाला, 5 से 7 चीज़ टोटल मिलाकर के पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो स्किन का जो लेयर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पर फिगर में एक तो दिखाया है ये वाला है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला जो दिख रहा है ये वाला है एपिडर्मिस लेयर, सबसे ऊपर वाला ये चीज़ है जो कि मतलब डैड सेल से बना होता है, ये पूरा डैड सेल है इतना दूर तक। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया एपिडर्मिस, और उसके बाद और नर्व वगैरह जो होता है वो डर्मिस के अंदर होता है। डर्मिस के ही अंदर देखो यहाँ पर हेयर जो है, हेयर के साथ यहाँ पर हेयर फॉलिकल लगा हुआ है। ठीक है, हेयर फॉलिकल क्या करता है? हेल्प करता है, ये देखो हेयर है यहाँ पर, और इससे थोड़ा सा हट करके यहाँ से निकाल करके दिखाया है इसमें से, ये हेयर फॉलिकल्स है, और इसी की वजह से हमारा हेयर जो होता है बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हेयर के बढ़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हेयर फॉलिकल्स। इसके अलावा नर्व, ये सारा जिसकी वजह से हम लोग सेंसेशन फील करते हैं, तो नर्व देखो यहाँ तक नर्व है, उसके बाद ऊपर फिर नहीं है, और यहाँ पर ब्लड वेसल दिखाया है दोनों। स्वीट ग्लैंड, यहाँ पर स्वीट ग्लैंड है जिसके जरिए पसीना बाहर निकलता है। तो मेन इतना सारा पॉइंट है जो हम लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखो हेयर फॉलिकल हेयर के साथ यहाँ पर लगा हुआ दिखाया है, ये हेयर फॉलिकल है। स्वीट ग्लैंड देखो नीचे से स्टार्ट होकर के बिल्कुल एकदम ऊपर तक गया है, ये स्वीट पोर है जिसकी वजह से पसीना बाहर निकलता है। एपिडर्मिस, ये पांच पढ़ना है, पांच में सबसे पहले एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज द आउटर थिनर पार्ट ऑफ द स्किन, ये सबसे आउटर पार्ट है। इट इज फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट फील्ड एपिथेलियम पाइल्ड अप लेयर आफ्टर लेयर। इट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रेट फील्ड एपिथेलियम पाइल्ड अप लेयर आफ्टर लेयर एट पैलेसेज। द एपिडर्मिस बिकम थीक एंड हार्ड एज ऑन द पाम, पाम के पास से जाकर के थीक और हार्ड हो जाता है। सोल्स एंड स्पेशली ऑन द हील्स। इट इज डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल एट ऑल पैलेसेज। यहाँ पर ब्लड वेसल की कमी होती है, ब्लड वेसल हो जाए तो फिर पेन होता है, लेकिन ऊपर में ब्लड वेसल नहीं होता है। द एपिडर्मिस शो 3 रीजन, इसके अंदर 3 रीजन आ जाएगा। पहला आउटर मोस्ट कॉर्नफील्ड लेयर, सबसे ऊपर वाला को आउटर मोस्ट कॉर्नफील्ड लेयर बोलेंगे। दिखाया है इसमें? नहीं दिखाया है। एपिडर्मिस हम लोग को सिर्फ ये दिखा दिया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है।
उसके बाद है मिडिल ग्रैनुलर लेयर, उसके बाद है इनर मैल्पिगियन लेयर, तीन ठो लेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो अब सबसे ऊपर आते हैं कॉर्न फील्ड लेयर में, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पील्ड अप लेयर ऑफ फ्लैटेन डैड सेल, मरे हुए डैड सेल से बना हुआ है। दिस सेल आर मेड ऑफ फाइबरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फाइबरस स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना हुआ है जिसको हम लोग केराटीन बोलते हैं। इट्स सेल आर कंटिन्यूसली वर्न अवे और सेड एंड आर रिप्लेस फ्रॉम बीनीथ बाई दोज एराइजिंग फ्रॉम द डीपर मेल्पिगियन लेयर। ये ऊपर वाला जो लेयर होता है हमेशा वो हटते रहता है, और इसको फिर से प्रोवाइड कौन करता है, तो सबसे नीचे जो मेल्पिगियन लेयर है वो इसको नए सेल को प्रोवाइड करता है, नए डार्ट सेल को बनाता है। द कॉर्नफील्ड लेयर इज टफ एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू, ए कॉर्नफील्ड लेयर जो कि सबसे ऊपर वाला लेयर है वो टफ होता है और रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, थ्री थिंग, मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और लॉस ऑफ वाटर बाई इवेपोरेशन, तीन चीज़ से ये बचाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ग्रेनुलर लेयर का, ग्रेनुलर लेयर इज वेरी थिन मिडिल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ टू और थ्री सब लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, यहाँ पर दो से तीन सब लेयर होता है फ्लैटेंड सेल का। ग्रेजुएट वाटर में कॉर्नफील्ड लेयर इसके ऊपर लगा होता है। उसके बाद सबसे नीचे होता है मेल्पिगियन लेयर, इट इज़ द इनर मोस्ट रीजन ऑफ इपिडर्मिस, सबसे नीचे होता है। इट सेल कैन एक्टिवली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल, ये जो होता है नया नया सेल प्रोड्यूस करता है, विच प्रेस एंड शिफ्ट आउटवर्ड टू रिप्लेस द वर्न आउट सेल ऑफ द आउटर मोस्ट कॉर्नफील्ड लेयर। तो जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नफील्ड लेयर है उसको रिप्लेस करने का काम कौन करता है, मेल्पिगियन, मेल्पिगियन लेयर नया सेल बनाता है वही उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये तीन हम लोग समझ गए इपिडर्मिस का, कॉर्नफील्ड, ग्रैनुलर और साथ में जर्मिनेटिव लेयर, हालांकि यहाँ पर जर्मिनेटिव लेयर इसी का नाम है, और मेल्पिगियन लेयर को ही तीसरा नाम, दूसरा नाम जर्मिनेटिव लेयर है। कलरेशन ऑफ द स्किन इज ड्यू टू पिगमेंट मेलानिन, ये जो कलर होता है बॉडी का वो किसकी वजह से होता है, मेलानिन की वजह से होता है। वही किसी किसी का देखते हो ना कलर हो जाता है रेड व्हाइट कलर करके, सारा शरीर मतलब हाँ डिजीज उसको बोलते हैं, पूरा कलर ही उड़ जाता है, मतलब मेलानिन पूरा ख़त्म हो जाता है। मेलानिन कंटेन इन द सेल ऑफ मेल्पिगनियन लेयर, ये कहाँ पर होता है, मेल्पिगनियन लेयर सबसे नीचे वाला लेयर में होता है। द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ दिस पिगमेंट इन डिफरेंट ह्यूमन रेसेज लीड टू फॉर्म वेरी लाइट ब्राउन टू डार्क कलरेशन ऑफ द स्किन। अब स्किन का जो कलर होता है डिफरेंट डिफरेंट आदि में वो डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी में उसके अंदर तुम्हारा मेलानिन प्रेजेंट है। अफ्रीकन नेग्रो हैव जनरली ब्लैक डार्क कलर स्किन, इन लोगों का काला स्किन होता है। द यूरोपियन लाइट कलर, इन लोगों का कलर होता है व्हाइटिश कलर। एंड मस्ट इंडियन एंड इंटरमीडिएट कलर, इन लोगों का कलर जो होता है इंडियन का वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब ना डार्क होता है और ना व्हाइटिश होता है। इन फेयर कलर्ड पीपुल ऑल्सो ऑन कंडीशन कंटिन्यूड एक्सपोजर टू रिवर्ट टू द ओरिजिनल कंडीशन व्हेन द एक्सपोजर इज कट डाउन, एक क्या बोल रहा है, इन फेयर कलर्ड पीपुल ऑल्सो ऑन कंटिन्यू एक्सपोजर टू सनलाइट, फेयर कलर वाले लोग अगर काफ़ी समय तक सनलाइट में रहेंगे फेस और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में गेट कैंड बट रिवर्ट द ओरिजिनल, कलर थोड़ा समय के लिए चेंज होता है लेकिन बाद में वो फिर से ओरिजिनल जो कलर होता है उसमें रिटर्न हो जाता है, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पर देखो दो बीमारी दिखाया है जो कलर को लेकर के होता है, पहला है ल्यूकोडर्म अल्सो कॉल्ड विटिलिगो, स्किन पिगमेंटेशन इज लॉस्ट फ्रॉम स्मॉलर और लार्जर पैचेज, ये कहीं कहीं से जो कलर होगा वो उड़ जाएगा, एक पैच के फॉर्म में रहेगा, तो क्या बोलते हैं ल्यूकोडर्मा, अगर कहीं से थोड़ा थोड़ा जाकर के उड़ता है तो इसको ल्यूकोडर्म नाम देंगे, कहीं कहीं से ये जो मेलानिन होता है वो गायब हो जाता है। और दूसरा है एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म में पूरा शरीर का ही कलर चला जाता है, केस तक का चला जाता है। कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग हेयर आईब्रो आईलेस एंड इवन द इरिस, सब चीज़ का कलर चला जाता है। द स्किन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल अपीयर्स पिंकिश,
पिंकिश कलर दिखता है बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग ब्लड कैपिलरी, शरीर के अंदर जो ब्लड कैपिलरी है उसकी वजह से पिंकिश कलर दिखाई देता है उसका। एल्बिनिज्म इज ए रिसेसिव ट्रेट कॉल्ड ड्यू टू इनहेरिटेंस, ये जनरली इनहेरिटेंस बीमारी है, मतलब कि बच्चों में पाया जाएगा। एन एलनीवो कपल वुड प्रोड्यूस ऑल एलनीवो चाइल्ड, मतलब पेरेंट्स को है तो फिर बच्चों में भी होने का पूरा संभावना रहता है। लेयर हो गया, अब आते हैं डर्मिस। डर्मिस के अंदर बहुत सारा चीज़ होगा, जैसे तुम्हारा ब्लड वेसल होगा, नर्व होगा, इसके अलावा तुम्हारा वो जो हेयर को बढ़ने में जो हेल्प करता है, हेयर फैकुलस, देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारा चीज़ है। ये है, ये ब्लड वेसल है, नर्व है, और स्वीट ग्लैंड जो है वो भी तुम्हारा है। चार पांच चीज़ हमारा होता है डर्मिस के अंदर। द डर्मिस इज द इनर थिक लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर का बना होता है, ए टफ और फ्लेक्सिबल होता है। एट सर्टेन प्लेस द डर्मिस इन आवर स्किन इज वेरी थिक, कहीं कहीं पर डर्मिस का जो साइज होता है काफ़ी मोटा होता है, एज ऑन पाम, जैसे कि हथेली में या फिर सोल्स में, एंड वेरी थिन एट द अदर प्लेस, जैसा कि आईलिड्स, आईलिड्स में ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। डर्मिस कंटेन सेवरल अदर स्ट्रक्चर, अब देखो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ होगा, ब्लड वेसल हो गया, नस वगैरह होता है इसके अंदर, नर्व फाइबर हो गया, सेंसरी ऑर्गन हो गया, हेयर फॉलिकल हो गया, हेयर फॉलिकल जो हेयर को बढ़ने में मदद करता है, स्वीट ग्लैंड्स हो गया जो कि पसीना जिससे निकलता है। लेदर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड ऑफ एनिमल इज एक्चुअली डर्मिस पार्ट ऑफ द स्किन, ये जो लेदर जो जनरली निकलता है वो कहाँ से निकलता है, और डर्मिस पार्ट होता है स्किन का। द आउटर रीजन ऑफ द डर्मिस विच लाई नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज रेज्ड इंटू न्यूमरस स्मॉल प्रोसेसेस कॉल्ड पाइपिलिया। ये पेपलिया, देखो यहाँ पर ये सारा जो दिखा रहा है ना, यहाँ पर जो एपिडर्मिस का सबसे इंड पॉइंट है, ये सारा यहाँ पर नीचे, ये हमारा पेपलिया होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में, विच कंटेन ब्लड कैपिलरी एंड नर्व एंडिंग्स। यहाँ पर नर्व सेल होगा, नर्व सेल का अंतिम, नर्व सेल इधर से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है, तो नर्व सेल का एंड वहाँ पर होगा और ब्लड कैपिलरी होगा। द नर्व एंडिंग एंड सेंस ऑर्गन हेयर आर कंसर्न्ड विथ सेंसेशन ऑफ टच एंड पेन, ये जो टच करने पर जो टच करने का सेंसेशन होता है या फिर जो पेन वगैरह होता है उस नर्व की वजह से ही होता है। द शार्प सेंस ऑफ टच इन द स्किन ऑफ फिंगर टिप इनेबल द ब्लाइंड टू रीड द ब्रेल करेक्टरिस्टिक, जो ब्लाइंड लोग पढ़ पाते हैं वो इस सेंसेशन की वजह से ही पढ़ पाते हैं। देयर आर सम मोर सेंस रिसिप्टर इन डीपर पार्ट्स, डीपर पार्ट्स में और भी सेल्फ तुम्हारा सेंस रिसिप्टर होता है, विच आर कंसर्न विथ ब्रेल करेक्टर, वो पढ़ने वाला अंधा लोग जो पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि जिसको बोलते हैं, छू छू करके वो लोग पढ़ता है। हाँ, छू करके वो लोग पकड़ पाते हैं कि कौन चीज़ क्या है। विच आर कंसर्न्ड विद द सेंसेशन ऑफ प्लेजर पेन हीट कोल्ड, ये सारा जो सेंसेशन होता है ना, इसका जो नर्व होता है वो काफ़ी डीप में होता है, प्रेशर पेन हीट और कोल्ड वाला। इसके अलावा फैट है, द लेयर बीनीथ द डर्मिस कंटेन न्यूमरस फैट, ये सारा जो नीचे दिख रहा है ये सारा फैट है, पीला कलर का दिखाया है। दिस सब क्यूटेनियस फैट नॉट ओनली सर्व एज फूड रिजर्व, ये फूड रिजर्व का काम करता है, बट ऑल्सो एज ए हीट इंसुलेटिंग लेयर, फूड का तो काम करता है, साथ में हीट इंसुलेटिंग लेयर का भी काम करता है, एज वेल एज शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर भी है, अचानक दबाव पड़ता है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी ये हमारा फैट करता है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ स्किन, जिसमें सबसे पहले आएगा हेयर। हेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, हेयर का तीन पार्ट होता है, पहला हेयर शाफ्ट, दिस इज द पार्ट विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्किन, जो स्किन से निकलता है एंड मे एक्सटेंड स्लाइटली बिलो द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, स्किन से लेकर के एपिडर्मिस के सरफेस तक हमारा हेयर शाफ्ट होता है। इन नॉर्मल सिचुएशन दे लाई ऑब्लिकली ऑन द स्किन, ए स्किन पर थोड़ा सा मुड़ा होता है, सीधा नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं होकर के थोड़ा सा इस टाइप से होता है।
दूसरा है हेयर रूट, इट इज द पार्ट ऑफ एम्बेडेड विद इन द डर्मिस। हेयर रूट कहाँ तक चला जाता है? डर्मिस तक चला जाता है। हमारा हेयर शाफ्ट एपिडर्मिस तक रहेगा, लेकिन हेयर रूट कहाँ तक चला जाएगा? डर्मिस तक चला जाएगा, लोएस्ट पार्ट ऑफ द हेयर रूट इज एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए हेयर बल्ब। इसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हेयर बल्ब का फॉर्मेशन करता है, विच कंटेन ए प्रोजेक्शन ऑफ द डर्मिस कॉल्ड हेयर पेपलिया। यहीं पर हेयर पेपलिया होता है, विथ कैपिलरी ब्लड सप्लाई। साथ में यहाँ पर कैपिलरी ब्लड सप्लाई भी मिलते रहता है। देयर हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल इज ए स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग द हेयर रूट। हेयर रूट को इनक्लोज करने का काम कौन करता है? हेयर फॉलिकल करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू सीथ। ये किस चीज़ से बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। द हेयर बल्ब एंड हेयर फॉसिकल टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द इलोंगेशन ऑफ हेयर। देखो इलोंगेशन ऑफ हेयर में कौन कौन हेल्प कर रहा है? एक तो हेयर फॉलिकल है और दूसरा हेयर बल्ब है। द ग्रोथ ऑफ हेयर अकर बाई एडिशन ऑफ सेल एट द बेस। ग्रोथ ऑफ हेयर अकर बाई एडिशन ऑफ सेल्स एट द बेस विच सून डाई। ये बोल रहा है कि ग्रोथ जो होता है सेल के एडिशन पर, जो कि कहाँ पर ऐड होता है? रूट के पास। अकर बाई एडिशन ऑफ सेल एट द बेस, बेस के पास सेल के एडिशन के साथ शुरू होता है, हालांकि ये सेल तुरंत ही मर भी जाता है। द कलर ऑफ द हेयर इज ड्यू टू वेरिंग क्वांटिटी ऑफ मेलानिन। हेयर का भी कलर जो है वो मेलानिन की वजह से ही है। द ग्रे और सिल्वरी कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू मिनट एयर स्पेसेज फॉर्म इन द हेयर व्हेन पिगमेंट इज लॉस्ट। द ग्रे और सिल्वरी कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू मिनट एयर स्पेसेज फॉर्म इन द हेयर व्हेन पिगमेंट इज लॉस्ट। एक ग्रे कलर का रीजन क्या है? अगर मेलानिन गायब हो जाता है तो जहाँ से मेलानिन ख़त्म होगा वहाँ पर एयर फिल हो जाता है, ठीक है, और उस एयर के भरे होने से हमारा जो हेयर होता है वो या तो सिल्वर कलर का दिखता है या फिर ग्रे कलर का दिखता है। मतलब ग्रे कलर जो है मेलानिन की कमी की वजह से है। एवरी वन हैज समटाइम एक्सपीरियंस्ड गूज फ्लैश ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग सम इमोशंस। इन दिस द हेयर इज लिफ्टेड कॉल्ड पिलोरेक्शन। पिलोरेक्शन क्या है? मतलब वो हेयर ठंडा के टाइम में थोड़ा सा उठ जाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिलोरेक्शन बोलते हैं। एंड द सरफेस ऑफ स्किन प्रजेंट ए सम वाट कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिंकल्ड एपियरेंस। और उस समय हमारा जो स्किन होता है थोड़ा सा रिंकल टाइप का एपियर होता है। दिस इज कॉज्ड बाई इरेक्टर। ये इरेक्टर मसल की वजह से होता है। ऑफ द हेयर व्हिच रन ओब्लिकली बिटवीन द हेयर फॉसिकल्स एंड द आउटर पार्ट ऑफ द डर्मिस। ये मसल कहाँ पर पाया जाता है? इरेक्टर मसल डर्मिस के आउटर पार्ट में पाया जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल एट वन एंड पुल द हेयर टू ए समवाट वर्टिकल पोजिशन। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हेयर तुम्हारा तिरछा थोड़ा सा ओवलिक था वो थोड़ा सीधा सीधा दिखाई देता है, ठीक है। एंड एट द अदर एंड डिफ्रेसल द एपिडर्मिस। हेयर इन ह्यूमन बींग आर कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड रीग्रोन। हेयर जो होता है कंटिन्यूसली लॉस होता है और साथ में रीग्रोन भी होता है। द ड्यूरेशन ऑफ स्कैल्प हेयर इज 2 to 5 years। स्कैल्प का जो हेयर है हमारा उसका समय कितना होता है? 2 से 5 साल। एंड डेट ऑफ आईब्रो एंड आईलेस इज 3 से 5 month। आईब्रो और आईरिस गिरते रहता है ना, इसका टाइम होता है 3 से 5 महीना, मतलब टूटता है उसके बाद फिर से आ जाता है। हेयर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो सबटल डिफरेंसेस। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दीज आर हेल्पफुल इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के समय ये हेल्प करता है। हेयर ऑल्सो प्रोवाइड ए सेंसेशन ऑफ टच। सेंसेशन ऑफ टच को भी पता चलता है इससे, बिकॉज नर्व फाइबर एक्सटेंडेड अप टू दिस देयर बेस। ये जो नर्व फाइबर होता है हमारे हेयर के बेस तक रहता है, इसलिए ये सेंसेशन भी फील करवाता है। देयर आर हेयर्स अलोंग द एज ऑफ आई लीड टू हेल्प। आई लीड मतलब आईलेस के ऊपर जो हेयर होता है ये हेल्प करता है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल। आई में फॉरेन पार्टिकल को जाने से रोकता है। सिमिलरली
देयर आर हेयर इन नोज, इसी तरह से नाक में जो केस होता है, अगेन टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम इंटरिंग नसल पैसेज, ये नाक में डस्ट पार्टिकल को जाने से रोकता है। फेशियल हेयर इन ह्यूमन मेल्स डेट इज मोस्टेज एंड बियर्ड हेल्प इन डिस्टिंग्विश द मेल सेक्स, ये जो तुम्हारा दाढ़ी मूंछ जो आता है इससे पता चलता है कि मतलब फीमेल है या मेल है, ये पता चलता है। हेयर के बाद, उसके बाद नेल्स के बारे में जानते हैं। नेल्स आर हार्डेंड कीरोटोनियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच ग्रो एज डैड सेल फ्रॉम द नेल रूट, नेल रूट से ये डैड सेल की तरह पनपता है। व्हिच लाई बिलो द स्किन एट द बेस, जो स्किन के नीचे लाई करता है। इसमें तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहला है प्लेट, इट इज हार्ड एंड आउटर पार्ट ऑफ नेल, नेल का आउटर पार्ट है जिसको प्लेट बोलेंगे। इट इज मेड अप ऑफ डाइड कीराटिनाइज्ड सेल, कीराटिनाइज्ड सेल से बना होता है और ये डाइड होता है। उसके बाद बेड है रूट, इट लाई बिलो द नेल प्लेट, नेल प्लेट के नीचे क्या होता है, रूट होता है और उसके नीचे मैट्रिक्स होता है। इट इज जस्ट बिलो द स्किन सर्फेस एट द बेस ऑफ द नेल, इट इज यूजली विजिबल एज व्हाइट इज हाफ मून, ये जो उजला कलर का दिखता है सबसे नीचे, उजला कलर का सबसे नीचे दिखेगा उसको मैट्रिक्स, उसके बाद फिर बेड और उसके बाद फिर प्लेट, तीन पार्ट होता है। एट द बेस ऑफ नेल इट प्रोड्यूस न्यू सेल व्हिच ऑन मैचुरेशन पुश आउट द ओल्डर सेल, ये नया सेल जनरेट करता है जो पुराने सेल को आगे की ओर धक्का देता है। टिप ऑफ द नेल एंड काउच ग्रोथ ऑफ द नेल, और इसी की वजह से हमारा नेल का ग्रोथ होता है। इस ये जो आधा चंद्रमा टाइप का जो बना होता है मैट्रिक्स, इसी की वजह से हमारा जो नाखून वाला सेल होता है वो बढ़ता है। उसके बाद सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड एक तो है जिसकी वजह से मुहासा वगैरह होता है ना, एक्ने और पिंपल्स होता है। दीज ब्रांच्ड ग्लैंड यूजुअली ओपन इन टू ए हेयर फोलिकल्स, हेयर फोलिकल में वो ओपन होता है। थ्रू समटाइम्स दे इवन ओपन डायरेक्टली टू द आउटसाइड, कभी कभी ये डायरेक्टली आउटसाइड में भी ओपन हो जाता है। दे गिव आउट एन ऑयली सेक्रेशन व्हिच मेक द हेयर एंड आउटर सर्फेस ऑफ स्किन ऑयली, यहाँ से ऑयली सेक्रेशन बाहर निकलते रहता है जिससे हमारा स्किन जो होता है वो ऑयली होता है। एंड वाटर प्रूफ टू कीप द एपिडर्मिस सप्लाई एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये इसलिए सेक्रेशन होता है ताकि हम लोग बच सके, जो पानी का इवेपोरेशन होता है हमारे स्किन से उससे हम स्किन को बचा सके। इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर स्किन में बिकम रफ एंड लीव ए पाउडरी सरफेस व्हेन स्क्रैच्ड, ठंडा के दिनों में जनरली ऐसा होता है कि हम लोग नाखून से स्क्रैच करते हैं तो व्हाइट कलर का हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द रिड्यूस सेक्रेशन ऑफ ऑयल, इसका वजह से क्या है, हमारा ऑयल का जो सेक्रेशन होता है ठंडा के टाइम में एक कम हो जाता है। फ्रॉम द सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड जो है ठंडा के टाइम में कम ऑयल सेक्रेट करता है। इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर द स्किन बिकम एक्स्ट्रा ऑयली, और वही गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा सेक्रेशन करता है इसलिए एक्स्ट्रा ऑयली हो जाता है हम लोग का बॉडी जनरली गर्मी के दिनों में। थ्री कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड से तीन प्रॉब्लम जनरली होता है। सबसे पहले तो पिंपल होता है, एक क्यों होता है, सेबम एक्यूमुलेशन, सेबम मतलब वही सेक्रेशन जो बॉडी के अंदर से होता है, काउज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। बिकॉज इट इज न्यूट्रेटिव गेट्स इन्फेक्टेड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉयल्स एंड पिम्पल्स, और इसी की वजह से इस बैक्टीरिया फिर वहाँ पर पिम्पल का रूप ले लेता है, उसकी वजह से पिम्पल होता है। उसके बाद है एक्ने, एक्ने मतलब मुहासा जो होता है। सेबेसियस ग्लैंड गेट इन्फ्लेम्ड ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से जनरली जो ऑयली पदार्थ होता है वो ज़्यादा निकलने लगता है। इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन एडल्सेंट, ये युवावस्था में होने वाला बहुत साधारण सी कॉमन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद ब्लैक हेड, ब्लैक हेड क्या होता है, वो काला काला दिखा होगा वो फेस, उस पर नोज उज पर जनरली, हाँ नोज उज पर आ जाता है बहुत छोटा छोटा ऐसा बूंदा टाइप का। ए सेबेसियस ग्लैंड ऑफ द फेस गेट इन लार्ज ड्यू टू एकुमुलेटेड सेबम, यहाँ पर भी सेबम के एकुमुलेशन से ही होता है, सेबम मतलब वही जो सेक्रेट कर रहा है शरीर के अंदर से। ऑन ऑक्सीडेशन मेलानिन एंड सेबम गिव इट ए ब्लैक कलर,
ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप मेलानिन और सेबम रिएक्शन करके ये ब्लैक हेड का जन्म देता है। उसके बाद आते हैं स्वीट ग्लैंड। इच स्वीट ग्लैंड इज ए सिंपल क्वाइल्ड ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ ए डीपर सेक्रेटरी पार्ट। ये देखो क्वाइल्ड एक ट्यूब है, एक टाइप का ये क्वाइल्ड ट्यूब ऊपर दिखेगा, ऊपर दिखा रहे हैं एक बार। देखो यहाँ पर एक क्वाइल टाइप का जो बना हुआ है, ये हमारा पसीना वाला ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ये है ना क्वाइल टाइप का बना हुआ है यहाँ पर। डीपर सेक्रेटरी पार्ट, डीपर सेक्रेटरी पार्ट है मतलब इसे पसीना निकलता है। एंड एन एक्सक्रेटरी पार्ट विच रन्स अपवर्ड, ऊपर की ओर ये जाता है टू ओपन ऑन द सर्फेस, सर्फेस पर ओपन हो जाता है। वो सेक्रेटरी ग्लैंड मतलब स्वीट ग्लैंड के बारे में बोल रहा है। द आउटर ओपनिंग आर कॉल्ड स्वीट पोर, आउटर ओपनिंग को स्वीट पोर बोलते हैं। दे आर टोटल नंबर इन द बॉडी इज एस्टिमेटेड अबाउट 2 मिलियन। इस टाइप का कितना स्वीट ग्लैंड है, 2 मिलियन है पूरा बॉडी में। ह्यूमन रेसेज बिलोंगिंग टू हॉटर कंट्री यूजअली हैव मोर स्वीट पोर देन दोज बिलोंगिंग टू कोल्डर वन, जो गर्म गर्म प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके पास ये ग्लैंड ज़्यादा होता है कंपेयर टू ठंडा वाला। द नंबर ऑफ स्वीट पोर वेरी फ्रॉम 60 to 80 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर सेंटीमीटर में मतलब कितना हो जाएगा, इतनी सुन में कितना हो जाएगा, 60 से 80 होल्स होते हैं। ऑन द बैक टू 400 पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द पाम, और पाम जो हथेली होता है हाथ का, वहाँ पर तो 400 तक पहुँच जाता है। कैन यू गेस वाई द स्वीट पोर आर मोर न्यूमरस ऑन द पाल्म, ये बोल रहे पाम पर ये इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन फॉर ग्रिप। फॉर द सेम रीजन सम पीपल टर्न द लीव्स ऑफ ए बुक और काउंट द करेंसी नोट बाई अप्लाइंग सलाइवा ऑन देयर फिंगर टिप, ए डर्टी हैबिट इंडिड एंड अनहेल्दी टू। ये क्या लिखा है, फॉर द सेम रीजन सरफेस टेंशन फॉर ग्रिप, शायद ये पकड़ने के लिए बोल रहा है कि पकड़ने में सुविधा होता है इसलिए ये हथेली में ज़्यादा होता है। द सेक्रेटरी पार्ट ऑफ ए स्वीट ग्लैंड एब्जॉर्ब फ्लूड फ्रॉम सराउंडिंग सेल एंड ब्लड कैपिलरी ऑफ द डर्मिस एंड पासेस इट इन टू द एक्सेट्री स्वीट डक्ट विच फोर्स इट आउट ऑन द सर्फेस। ये कहाँ से आता है ये पसीना, द सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द स्वीट ग्लैंड एब्जॉर्ब फ्लूड, कहाँ से देखो कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, अपने आसपास के जो सेल्स होते हैं उनसे लेते हैं, और साथ में ब्लड कैपिलरी से लेते हैं, डर्मिस और डर्मिस का जो ब्लड कैपिलरी है वहाँ से लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। स्वीटिंग गोज ऑन एट ऑल टाइम इन मिनट क्वांटिटी, हमेशा होता है, और समटाइम्स इन लार्ज क्वांटिटी एज ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज और ड्यूरिंग हॉट एंड हमिड वेदर। हॉट और हमिड वेदर में जनरली ये ज़्यादा ही होता है। व्हेन ए पर्सन में लॉज एज मच एज 1 kg पर आवर, ये 1 घंटा में करीब 1 kg तक हो सकता है पसीना का मात्रा जो होगा, 1 घंटा में 1 किलोग्राम तक हो सकता है। द मेजर फंक्शन ऑफ स्वीटिंग इज टू लॉस बॉडी हीट बाय इवेपोरेशन, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बॉडी को स्वीटिंग इज द लॉस बॉडी हीट बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के जरिए बॉडी से हीट का लॉस ना हो इसके लिए ये जनरली होता है। स्वीट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 99% वाटर, इसमें 99% वाटर होता है, और 0.2 से 5% तक साल्ट होता है, और थोड़ा सा यूरिया होता है। द यूरिया लॉस्ट थ्रू द स्वीट इज अबाउट 1% ऑफ द टोटल यूरिया एग्जेटेड बाई बॉडी, ये पूरा टोटल बॉडी जितना एग्जेट करता है उसका 1% स्वीट के जरिए यूरिया बाहर निकलता है। कोल्ड स्वीट मे बी ड्यू टू साइकिक इन्फ्लुएंसेस सच एज फ्रेट एंड नर्वसनेस, तो कभी कभी कोल्ड स्वीट भी होता है नर्वस की वजह से। स्वीटिंग में अल्सो एक कंपनी नोसिया एंड सेवरे पेन ड्यू टू लॉस ऑफ बॉडी साल्ट, ज़्यादा स्वीटिंग होने से क्या हो सकता है, नोसिया या फिर पेन भी हो सकता है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा साल्ट बाहर निकल जाता है। उसके बाद फाइनली है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड, ये स्वीट ग्लैंड का ही मॉडिफाइड रूप है। दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बोथ इन मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट इन मेल दे परसिस्ट ओनली ए
रूडिमेंट्री स्टेट, मतलब ये विकसित अवस्था में नहीं होता है मेल के अंदर। वेयर एज इन फीमेल एट प्यूबर्टी दे इनलार्ज इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट कैरी ए सेंट्रल कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड नीपल, 15 से 20 मिल्क डक्ट ओपन ऑन द नीपल, ईच मिल्क डक्ट इज कंटिन्यूड इनवर्ड इन ए ब्रांचिंग मैनर टू ज्वाइन क्लस्टर ऑफ 15 से 20 लोब ऑफ मेमरी ग्लैंड। द एक्टिविटी ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन एंड प्रेगनेंसी। रिप्रोडक्टिव हार्मोन और प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है। द मिल्क सेक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड इज हाईली न्यूट्रिशियस, और ये जो मेमरी ग्लैंड के जरिए जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। उसके बाद है मीबोनुमेन ग्लैंड। देयर आर मॉडिफाइड सेबेकियल ग्लैंड विच ओपन ऑन द मार्जिन ऑफ द आई लिड्स, देयर सेक्रेशन इज ऑयली। इसका सेक्रेशन क्या होता है? ऑयली होता है एंड सर्व टू लुब्रिकेट द मार्जिन ऑफ द लिड्स, ये लिड्स को लुब्रिकेट करने के लिए होता है एंड टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ टीयर, और टीयर के ओवरफ्लो को रोकता है, मतलब आँख के ऊपर जो होता है मीबोनुमेन ग्लैंड ये क्या करता है, ओवरफ्लो टीयर ओवरफ्लो होने से रोकता है। और उसके अलावा क्यूरमेनियस ग्लैंड एक तो है। देयर आर मॉडिफाइड सेबेकियस ग्लैंड फाउंड इन ऑडिटरी कैनाल एंड सेक्रेट वैक्स लाइक सब्सटेंस कॉल्ड सेरुमन और ईयर वैक्स विच लुब्रिकेट द एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को ये क्या करता है, ऑयली मतलब ईयर ड्रम को वैक्स लाइक मटेरियल प्रोवाइड करता है फ्रॉम डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स, ए ईयर ड्रम को जर्म्स और डस्ट पार्टिकल से बचाता है। तो ये था टोटल ए चैप्टर, और भी है। अच्छा, स्किन एंड हीट रेगुलेशन ऑफ बॉडी। ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर वार्म ब्लडेड, ये सारे के सारे वार्म ब्लडेड हैं। बॉडी हीट जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड, सो आर द बर्ड्स, दे ऑल मेंटेन ए मोर और लेस कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इवन इफ इट इज़ वेरी कोल्ड और वेरी हॉट आउटसाइड। तो हमारा शरीर जो होता है वो बाहर में कितना भी टेम्परेचर है अंदर में एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बना करके रखता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म फ्लक्चुएट विद द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे ह्यूमन तो है वार्म ब्लडेड है ना, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार कम या ज़्यादा होते रहता है। दिस मीन्स दैट दे मस्ट समहाउ एस्केप बोथ कंडीशन, तो वो क्या कर सकते हैं ऐसे में, वो लोग मतलब ज़्यादा ठंडा हो या फिर ज़्यादा गर्मी हो दोनों से बच सकते हैं आसानी से। दस दे हाइबरनेट और एस्टिवेट एज इन केस ऑफ फ्रॉग, जैसे कि ये मेढक के केस में होता है, मेढक हमारा कोल्ड ब्लडेड है। द टर्म कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड है बीन सब्स्टिट्यूटेड बाई पाइकिलोथर्मल, पाइकिलो मतलब बेरिंग एंड होमोथर्मल मतलब सेम। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज यूजअली अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन द माउथ, इट इज़ अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड हायर इन रेक्टम एंड अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर इन द आर्म पीट। आवर बॉडी टेम्परेचर में अल्सो शो वेरिएशन 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.5 डिग्री सेल्सियस इन द कोर्स ऑफ 24 आवर, मतलब थोड़ा सा का वेरिएशन होता है। इट इज़ लोएस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग में ये सबसे कम होता है टेम्परेचर हम लोग के बॉडी का, और हाईएस्ट इन द लेट आफ्टरनून, और लेट आफ्टरनून के बाद ये सबसे ज़्यादा होता है। राइज इन बॉडी टेम्परेचर एबव नॉर्मल मीन्स फीवर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फीवर और सिकनेस, और अगर टेम्परेचर डाउन हो गया ज़्यादा मे बी डेंजरस, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ए सुटेबल टेम्परेचर ऑफ इतना डिग्री इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री से 40 डिग्री तक, स्पेशली फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम, जो इस टेम्परेचर पर एंजाइम हमारा सही से वर्क करता है।
द वर्किंग ऑफ एंजाइम इज स्लो डाउन विद द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर घटता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एंजाइम का काम करना थोड़ा स्लो कर देता है। वाइल हायर टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइम ऑल टुगेदर। और टेम्परेचर का बढ़ जाना तो एंजाइम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद है हीट प्रोडक्शन। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ हीट प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन के बहुत सारा सोर्स है। केमिकल रिएक्शन आकर इन ऑल बॉडी सेल। केमिकल रिएक्शन हमारे पूरे बॉडी सेल में होता है, स्पेशली इन द लीवर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जनरली प्रोड्यूस हीट। तो हमारे शरीर में जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो जनरली ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी कम्स फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ आवर मसल। ज़्यादातर जो हीट होता है प्रोड्यूस होता है वो हमारे मसल के एक्टिविटी की वजह से होता है। विगरस एक्टिविटी मेक यू वार्म। बहुत सारा एक्टिविटी होता है जो हम गर्मी प्रोवाइड करता है ऑन ए कोल्ड डे, ठंडा के दिनों में भी, एंड ओवर हीट यू ऑन ए हॉट डे। और गर्मी के दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील करवाता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कम फ्रॉम द इंगेशन ऑफ हॉट फूड एंड बेवरेज। तो अगर थोड़ा मोड़ा जो गर्मी है वो जनरली गर्म खाने से भी आता है। हीट लॉस, हीट इज लॉस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द फॉलोइंग चैनल। हीट लॉस कैसे कैसे होता है, पहला तो स्किन से। अबाउट 85% ऑफ बॉडी हीट इज लॉस्ट थ्रू द स्किन बाई कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन एंड थ्रू इवेपोरेशन ऑफ स्वीट। ज़्यादातर 85% स्किन से ही होता है। उसके अलावा लंग्स से है। हीट इज लॉस्ट इन द वार्म एयर व्हिच इज ब्रीदेड आउट। दिस लॉस इन वार्म एयर कैन इजली बी एक्सपीरियंस्ड बाई जेंटली ब्लोइंग ऑन द बैक ऑफ योर हैंड कीपिंग द माउथ वाइड ओपन। सम हीट इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लॉन्ग लंग्स। द लंग्स से वाटर का वेपराइजेशन होता है, यहाँ से भी कुछ कुछ लॉस होता है। हम लोग सांस लेते हैं ना, जनरली गर्म हवा बाहर निकलता है ना, वहाँ से भी हीट का लॉस होता है, कुछ कुछ एवेपोरेशन की वजह से होता है। यूरिन एंड फेसेस, दीज सब्सटेंस आर इलिमिनेटेड बॉडी टेम्परेचर। यहाँ से भी बॉडी का टेम्परेचर फॉल होता है, मतलब पोटी और टॉयलेट से। उसके अलावा फूड्स है, हीट इज ऑल्सो लॉस्ट वेन कोल्ड फूड वाटर और कोल्ड बीवरेज आर टेकन। ठंडा भोजन हम लोग लेते हैं तो वहाँ से भी हीट का कुछ लॉस होता है। उसके बाद है टेम्परेचर रेगुलेशन। द प्रिंसिपल हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस, ए पोर्शन ऑफ द फोर ब्रेन। हीट रेगुलेशन के लिए हमारा एक कहाँ पर लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में लोकेटेड है। दिस पार्ट एक्ट लाइक ए थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट की भांति काम करता है। व्हेन द बॉडी टेंड टू कूल बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर हमारा शरीर नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे चला जाए, इट स्विचेज ऑन और स्पीड अप द हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो इस तुरंत ही हीट को बढ़ाना शुरू कर देता है। एंड व्हेन बॉडी टेंड टू द ओवर हीटेड, और शरीर अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इट एक्सेलरेट टू कूलिंग प्रोसेस, तो एक कूलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है एंड स्विच ऑफ द हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, और हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को ये क्या करता है, बंद कर देता है। उसके बाद है इन कोल्ड वेदर, ठंडे के दिनों में। व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज लो, बाहर का टेम्परेचर तो लो होता है उस समय, द ब्लड वेसल गेट नैरोड। ब्लड वेसल क्या होता है, पतला हो जाता है। दिस रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द स्किन, ये स्किन को ब्लड सप्लाई करना कम कर देता है। एज ए रिजल्ट देयर इज लेस लॉस ऑफ हीट बाई कन्वेक्शन। तो इसके जरिए कन्वेक्शन कंडक्शन या फिर रेडिएशन के द्वारा हीट का लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। एंड ऑल्सो लेस लॉस ऑफ हीट थ्रू वेपराइजेशन ऑफ स्वीट, और स्वीट ही पसीना भी निकलना बंद हो जाता है। एज द ब्लड सप्लाई टू द स्किन इज रिड्यूस, और अगर हम लोग के स्किन का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, द स्वीट ग्लैंड ऑल्सो सेक्रेट लेस स्वीट। तो हमारा स्वीट ग्लैंड है वो भी काम करना थोड़ा स्लो कर देता है। दिस इज अ नेचुरल मेथड टू कन्वर्ट द बॉडी हीट, ये बॉडी हीट को कन्वर्ट करने का नेचुरल तरीका है। व्हेन वेस्को रिस्ट्रिक्शन अकर इट मेक ए पर्सन लुक पेल और ब्लूइश। इसमें जो पर्सन का लुक होता है वो थोड़ा सा पेल या फिर ब्लूइश हो जाता है।
बिकॉज ऑफ रिड्यूस ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाने की वजह से। सिमल्टेनियसली द हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय द इंक्रीज इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड थ्रू इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी विच इज समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ शिवरिंग। हॉट वेदर में, ये तो ठंडा के दिन में हम लोग देखे कि ब्लड वेसल जो होता है वो स्किन को ब्लड सप्लाई कम कर देता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई और व्हेन ए पर्सन इज इंगेज इन स्ट्रेनियस फिजिकल वर्क विच मीन्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट विद इन द बॉडी, ऐसे में हीट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। द ब्लड वेसल सप्लाई टू द स्किन इज इंक्रीज्ड और ब्लड सप्लाई जो होता है स्किन को वो मिलना ज़्यादा शुरू हो जाता है बाय द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन स्किन। दिस रिजल्ट इन ग्रेटर लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, तो यहाँ से हीट का रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड ऑल्सो बाय वेपराइजेशन ऑफ स्वीट, स्वीट भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है विच इज़ नाउ प्रोड्यूस्ड इन लार्जर क्वान्टिटी, जो कि अब लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रिच सप्लाई ऑफ ब्लड स्किन। एयर मूवमेंट ओवर द बॉडी हेल्प स्पीड अप इवेपोरेशन ऑफ स्वीट, डैट इज वाई फैंस विच डू नॉट कूल द एयर ऑफ द रूम हैव ए कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक इज ए कंडीशन इन विच स्वीट प्रोडक्शन इज अनेबल टू कीप पेस विथ इट्स इवेपोरेशन इन वेरी हॉट विंड। दिस रिजल्ट इन द राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर विच मे समटाइम्स बी फेटल। ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर एंड टेकिंग ए लिटिल मोर ऑफ साल्ट इन समर इज गुड प्रिक्यूशन, ठंडा के दिनों में बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और साथ में साल्ट का भी ज़्यादा लेना चाहिए। साल्ट भी ज़्यादा लेना फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि बॉडी से साल्ट निकलता है। 5 मिनट वेट रिक्वेस्ट ये कर लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद वो वाला जो छूटा हुआ है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। क्या छोटा होता सर? वो थोड़ा सा छूटा हुआ है ना, क्या नाम है पिछला चैप्टर वाला, स्केलेटन।